क्यों करते हैं एनालिसिस का रोल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट मीनस हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया प्लांट्स के केस में हम सेलेक्ट करते हैं एक टॉल प्लांट को और एक शॉर्ट प्लांट को अब हमने इन दोनों को मेट करवा दिया मेट क्यों करवाया था टू गेट डिजायर्ड करेक्टर्स और हम ट्रेड्स भी बोल सकते हैं जब हमने इन्हें मेट करवाया था दैट मीन्स इन दोनों के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो इनकी प्रोजेनी में हमें विजिबल होगा इस केस में हम क्या करते हैं हम प्लांट्स को चूज करते हैं और हम उनके डिजायर्ड करेक्टर से और डिज़ायर्ड ट्रेड का हम एडवांटेज ले सकते हैं जितना भी आपका वेजिटेबल होता है फ्रूट होता है ये कुछ इस टाइप से ही बनता है लेकिन जब बात आती है ह्यूमंस की Humans में हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं हम बोले हमने दो ह्यूमन सेलेक्ट कर लिए हमने बोला आप मेट कर लो राइट एंड देन हम आपकी प्रोजेनी देखेंगे प्रोजेनी में क्या ट्रेट आते हैं ऐसा humans में नहीं हो पाता humans के केस में हम चूज नहीं कर पाते इसीलिए हम एक चार्ट बनाते हैं चार्ट किसका बनाते हैं हम हम जनरेशंस का चार्ट बनाते हैं और उसमें हम पर्टिकुलर ट्रेड को स्टडी करते हैं पूरी फैमिली में और उनकी रिस्पेक्टिव जनरेशन्स में सो so ये रोल होता है हमारी पेडिग्री का अगर आप यहाँ पे देखें पेडिग्री चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं सो so दैट हम स्टडी कर पाए किसी भी ट्रेड के प्रेजेंस को और एब्सेंस को फैमिली जनरेशन इसका मतलब ये है हम एक ही ट्रेड को स्टडी करेंगे सारी में किसी की. अब जब हम बात करते हैं पेडिग्री चार्ट की तो चार्ट में कुछ सिम्बल्स होते हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वेर से रिप्रेजेंट करते हैं मेल को स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं मेल को सर्कल से फीमेल को देन हम सॉलिड एंड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल को जब मेल और फीमेल लिंक्ड होते हैं एक लाइन से ये रिप्रेजेंट करता है मेटिंग अब जब इनके बीच में मेटिंग हुए दैट मींस अब जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें प्रोजेनी मिलेंगी जब ये प्रोजेनी हम रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास प्रोजेनी आ जाती है दैट मीन्स हम जनरेशन को भी गेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन है जब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंट्स की आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो एकदम एक दूसरे की फोटो कॉपी होते हैं एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं इसमें बेसिकली या तो मेल मेल हो सकते हैं या फीमेल फीमेल मेल फीमेल नहीं हो सकते हैं. और इन्हें हम ट्रायंगल की शेप में ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विन हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं लेकिन कंप्लीट ट्रायंगल नहीं ड्रॉ हो पाता है पेडिग्री चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सॉलिड इसका मतलब क्या है ये अफेक्टेड फीमेल है और या इस फीमेल के पास डिजायर्ड ट्रेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अफेक्टेड मेल है या इस मेल के पास डिजायर ये ये पेरेंट्स हैं ये उनकी प्रोजेनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनरेशन दिखा रखा है सो पेडेग्री चार्ट ऐसे होता है अब जब हम बात करते हैं पेडेग्री की पेडिग्री ह्यूमंस से ही रिलेटेड होता है और हमें पता है ह्यूमन्स के पास टोटल फोर्टी सिक्स होते हैं या हम बोल सकते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं अब इस ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से जो ट्वेंटी टू होते हैं ट्वेंटी टू होते हैं ऑटोजोम्स का मतलब होता है ये हमारे नॉर्मल करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट सेक्शुअल करेक्टर और जो वन पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम का जिसका रोल होता है जेंडर डिसाइड करने के लिए राइट सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोजोम्स कुछ ऐसे दिखते हैं हमें और ये होते हैं वन टू ट्वेंटी टू एंड इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इनका जो रिलेशन होता है वो जेंडर से होता है जेंडर एंड सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स हमेशा सेक्सुअल क्रोमोसोम पे ही ले करते हैं नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव जैसे हम बोलते हैं हमारा जो करेक्टर होता है करेक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आई कलर ब्लैक आई कलर अगर हम बोले ब्लैक आई कलर जो होता है जनरेशंस में एक पर्टिकुलर फैमिली की ये डोमिनेंट है दैट मीन्स डोमिनेंट किससे है अगर यहाँ पे दूसरा करेक्टर होता लेट्स से ग्रे आई सो अगर हम ग्रे आई के कंटेक्स में ब्लैक आई को चूज करते हैं सो दैट मीन्स ब्लैक आई हमें बहुत ज्यादा बार दिख रहा है एक फैमिली की कुछ जनरेशंस में सो so, हम बोल सकते हैं वो डोमिनेंट है लेकिन ग्रे आई कुछ ही मेंबर्स में हमें यह ट्रेड दिख रहा है सो so हम बोल सकते हैं ये रिसेसिव है सो दिस वाज अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेडिग्री व्हेन वी टॉक अबाउट डोमिनेंट पेडिग्री अब डोमिनेंट पेडिग्री को हम पहचानते कैसे हैं दिस इज व्हाट रियली इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पेडिग्री में क्या होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल का एटलीस्ट एक जो पेरेंट होता है वो अफेक्टेड होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड से फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें अफेक्टेड इंडिविजुअल का एक पेरेंट अफेक्टेड है राइट ऑल्सो टू अन पेरेंट्स फेक्टेड ऑफ स्प्रिंग इसका मतलब ये है अगर दो पेरेंट है वो अनअफेक्टेड है इन के ही चांसेस रहते हैं कि जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा वो अनफेक्टेड होगा राइट एंड डिजीज फिनोटाइप जो होता है वो हर जनरेशन में हमें दिखेगा फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट जनरेशन है ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है इसमें हम देख पा रहे हैं हर जनरेशन में हमें डिजीज फिनोटाइप तो विजिबल ही है सो so ये होता है डोमिनेंट पेडिग्री। इन केस ऑफ रिसेसिव पेडिग्री, रिसेसिव पेडिग्री को जानने के लिए हम ये जानते हैं जो प्रोजनी अफेक्टेड होती है राइट right? जो प्रोजनी अफेक्टेड होती है हो सकता है उसके पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं राइट right. और अफेक्टेड प्रोजनी मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं सो रिसेसिव पेडिग्री को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो प्रोजनी अफेक्टेड है उसके दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड होने चाहिए सो दिस इज द शॉर्ट वे टू डिटेक्ट विच पेडिग्री इज रिसेसिव एंड विच वन इज डोमेंट मूविंग टूवर्ड्स ऑटोजोमल डोमिनंट पेडिगरी ऑटोजोमल का मतलब क्या होता है ऐसे करेक्टर्स जो सेक्सुअल क्रोमोजोम कंट्रोल नहीं करते और डोमिनेंट पेडिग्री मींस जहाँ पे आपके पेरेंट्स में से कोई एक अफेक्टेड है लेकिन चाइल्ड हो सकता है अफेक्टेड ना हो राइट सो हेयर अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड इसका मतलब क्या है अफेक्टेड पेरेंट्स तो हैं लेकिन इनका बच्चा जो है वो अफेक्टेड नहीं है यहाँ से हमें पता चला कि ये ऑटोजूमर डोमिनेंट है ऑल्सो डिज़ीज़ जो होती है वो जनरेशन को स्किप नहीं करती है अगर आप यहाँ पे देखें तीनों जनरेशन में हमें डिजीज इंडिविजुअल तो मिल ही रहे हैं सो so, इसका क्या मतलब हुआ डिज़ीज़ डोंट स्किप द जनरेशन बात करते हैं रिसेसिव पेडिग्री की रिसेसिव पेडिग्री में क्या होता है पेरेंट्स का एक अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है एक या एक या से ज़्यादा चाइल्ड हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि डिजीज जो है वो जनरेशन को स्किप कर जाए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज एक्सलिंक्ट डोमिनेंट पेडिग्री लिंग का मतलब क्या होता है लिंग का मतलब होता है ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है जब ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है यहाँ पे आपको एक सर्टेन पैटर्न दिखेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अफेक्टेड फादर हैज ऑल डॉटर अफेक्टेड दैट मींस एक फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड होंगी इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ट्रेड था वो ट्रांसफर हो रहा है फादर से डॉटर्स में राइट right? ऐसी डिजीजेस कभी भी फादर टू सन में ट्रांसफर नहीं होती हैं, राइट दिस वाज अबाउट डोमिनेंट पेड वेन वी टॉक अबाउट एक्सलिंक् रिसेसिव पेडिग्री सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें मेल सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं और जो ट्रेट होता है वो फादर से डॉटर में मूव करता है और मदर से हमेशा सन में मूव करता है डिजीज कभी भी मेल से मेल ट्रांसफर नहीं होती है इस केस में let's see some examples of diseases which we can study with the pedigree these are in autosomal dominant polycystic kidney disease is very common in case of autosomal recessive we can analyze the pedigree of cystic fibrosis x linked dominant disease the example is vitamin d resistant rickets x linked recessive disease we can track the pedigree of hemophilia disease thank you very much i hope you like the video if you like it click on like button comment and do subscribe